राहत मुनव्वर। मैं आज नवीद शेख साहब के पास आया हूं और जैसे कि ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनको माशाल्लाह जो भी लव बर्ड जिसने रखे हैं, इवन के जिसने बड़े बर्ड्स भी रखे हैं वो भी सब इनको जानते हैं। तो नवीद शेख साहब, सबसे पहले मुझे आप बताएं कि आपने अभी लास्ट 2 वीक्स पहले एक बहुत बड़ा माशाल्लाह इवेंट किया जिसमें लाखों मालियत के जो हैं परिंदे जो हैं वो लोगों को एस तहाइफ दिए गए कुरंदाजी के ज़रिए, तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि इसके पीछे आपका मकसद क्या था? सर, मकसद ये था कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं मेरे पास फैंसियर्स के कि हमें सपोर्ट करें, हम फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर आप किसी एक बंदे को फेवर करें तो आप बाकियों को नहीं कर पाते। तो वो कहते हैं शेख साहब ने इसके ऊपर मेहरबानी की, हमारे ऊपर नहीं की। मैंने कहा कोई ऐसा सिस्टम अपनाया जाए जिसमें हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें और उनकी लक या उनकी किस्मत उनका साथ दे। फिर मेरे जहन में आइडिया आया फहद मुस्तफ़ा का, जीतो पाकिस्तान वाला, क्योंकि मैं उसकी प्रोग्राम्स देखा करता था रमज़ान में फैमिली के साथ। तो उसने कहा हम खुशियां बांटते हैं, हम सदका नहीं करते। बंदा स्क्रीन के सामने आकर जो वसूल भी कर रहा है उसको शर्मिंदगी नहीं होती कि मैंने कोई सदका लिया, ज़कात लिया है, मैं जीत के जा रहा हूँ। तो वो भी फ्री में जाते हैं, तो मैंने कहा हम भी जरा फ्री में करें। बिल्कुल सही है। फिर मेरे जहन में आया था कि माशाल्लाह हम कमा रहे हैं और इतने बड़े बड़े फैंसियर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए और उनको मोटिवेशन मिले खर्च करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ मैं कामयाब हुआ हूँ उसमें। बिल्कुल सही है। देखें, मैं भी उस इवेंट में मौजूद था और मैंने जो देखा कि तमाम फैंसियर्स जितने भी आए हुए थे, नए भी थे कुछ, पुराने भी थे, तो सबके चेहरों पे एक बड़ी मुस्कान थी और सब खुश थे कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई पहला ऐसा कोई इवेंट हुआ जिसके अंदर इस तरह का जो तहाइफ जो है वो लोगों को बांटे गए, जिससे सबको खुशियाँ मिली और लोगों ने बहुत इसको एंजॉय भी किया। तो मुझे बताएं कि आप इस तरह के कोई फ्यूचर में प्लान करते हैं इवेंट ज्यादा इस तरह के? इंशाल्लाह हर साल जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाल्लाह। क्योंकि देखें वर्ल्ड कप भी जो है ना, मेरे ख्याल हर 4 साल बाद होता है, लोगों को इंतजार होता है वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, कैसे होगा, कितना, यानी एक मेगा इवेंट जो है ना वो आप फॉर एग्जांपल हर हफ्ते करें तो उसका चाम नहीं रहता। बिल्कुल। सो इंशाल्लाह मैं इस तरह का मेगा इवेंट हर साल एक दफा करूंगा। बिल्कुल सही है। तो इसी तरह का इवेंट होना चाहिए, इसी तरह लोगों की हौसला अफजाई भी होती है और काफी लोग जो है इससे मोटिवेट भी होते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि रिसेंटली आपने जो है MG गाड़ी ली है, तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि आपने ये बर्ड से लिया या आपके कोई दूसरे सोर्स ऑफ अर्निंग भी है? लाजिम आदमी हूँ सर, कोई सोर्स से कम नहीं है। देखे कई लोग कहते हैं ये हो नहीं सकते, इसने तोते बेच कर MG लिया है। देखो क्यों नहीं हो सकता। मैं एक सिंपल एक मिसाल देता हूँ, अगर आप एक पाब्लो अपलाइन के मेल को वायलेट पेल फेलो के साथ लगाएं और आप उसके प्रोडक्शन निकालें कि वो कितने के बच्चे बिकते हैं और आपके पास उस तरह के 5 जोड़े लगे हों और आप चंद सालों से वो ब्रीड करवा रहे हैं, यार पैसा कहीं ना कहीं तो लगाना है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि आज मैंने तोते बेचे और जाकर मैंने कल ली है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पिछली गाड़ी थी सिविक, वो मैंने प्योर तोतों से ली है। बिल्कुल सही है। वो मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट थी, जो बाकी ऊपर वाली पेमेंट थी वो मैंने तोते बेचे थे, वो डालकर सिविक के पैसे डालकर मैंने MG ले ली। या तो ना मैंने कोई 5 करोड़ रुपए की गाड़ी ली है, अरे अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कह सकता हूँ तोते बेचकर गाड़ी ली है। बिल्कुल सही है। माशाल्लाह देखे इस तरह लोगों को मोटिवेशन मिलती है और यकीनन पॉसिबल है, क्योंकि मैं खुद भी ये काम कर रहा हूँ, तो एक आप समझ लें कि पॉसिबिलिटी इसके अंदर नज़र आती है कि माशाल्लाह इतनी अच्छी अर्निंग है। और मैं मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कोई दूसरा बिजनेस हो जो ये कैपेसिटी रखता हो कि आपको एक साल के अंदर अंदर जो है वो इतना रिटर्न दे दे। आपके ये जो सामने आपके सामने नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये 101% सारे तोतों की अर्निंग से की है। अल्हम्दुलिल्लाह एक एवरी बनाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर ये घर, ये सारा कुछ जो मैंने किए, जो इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, बिल्कुल ये सारे तोतों के पैसों से किए। बिल्कुल सही है माशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि अभी जैसे आप मेरा ख्याल है 3 एवरीज बना चुके हैं, तो आपका इससे ज़्यादा एक्सपेंड करने का भी इरादा है इन फ्यूचर? फिलहाल नहीं, पहले मैं चाहता हूं कि मैं इन 3 एवरीज के अंदर अंदर ही खेलूं और मैं वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करता जाऊं। अगर किसी पिंजरे में अल्बाइनो है तो उसको क्रीमिनो पे ले जाऊं, जिसमें क्रीमिनो उसको पेल फेलो पे ले जाऊं, जिसमें पेल फेलो उसको पेलो अपलाइन पेल फेलो पे ले जाऊं। इन 3 एवरीज के अंदर मैं 30 अरब रुपए का भी माल रख सकता हूं। बेशक। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, इन 3 एवरीज में 30 अरब रुपए का माल आ सकता है। बिल्कुल। अगर आप हर खाने के अंदर अपलाइन डन फेलो लगाओ, बिल्कुल शायद कैलकुलेटर भी वो हिसाब ना लगा सके जितनी वो मालियत बनता है। बेशक ऐसा ही है। अच्छा आपने जैसे अभी डन फेलो की बात की है, तो अगर आप देखें नॉर्मल जो फैंसियर्स नए आते हैं तो वो सबसे पहले आते हैं जी, कहते हैं हमने पार्लो लेना है, एल्बिनो लेना है या क्रिमिनो लेना है, तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि जो डन फेलो है
वो नॉर्मल पब्लिक जो है वो कब तक उसकी रीच में डनफेलो आएगा, और नॉर्मल पब्लिक जो है वो डनफेलो को कैसे प्रिज्यूम करती है अपने ब्रीडिंग स्टॉक के यार अंदर? आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, ये मैं अपनी वीडियो में अपलोड करने लगा, चलो अल्हम्दुलिल्लाह आपके वास्ते से ये पैगाम चला जाएगा। अब मुझे तकरीबन 2009 से लेकर अब तक तकरीबन कोई 10 साल प्लस हो चुके हैं इस काम में, तो जारी बात है मैंने पार्टनरशिप्स भी एक्सटेंड की हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हर बंदे को मैं फैसिलिटेट कर सकूँ। आज से चंद साल पहले जो मैं बर्ड्स ब्रीड करवा रहा था वो मेरे अब पार्टनर्स ब्रीड कर रहे हैं, वो पार्टनर्स ने बर्ड मुझे देने हैं। तो अगर मेरे पास वही बर्ड लगे होते उसूली तौर पे मैं सबसे पहले अपना स्टॉक बेचूंगा, फिर बारी उनकी आएगी। बिल्कुल। अब मैंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, वो इस स्टॉक का अगर मुझसे कोई पार ब्लू मांगता है तो पार ब्लू ब्रीड करवाने वाले हो सकता है एक क्लच में 300 बच्चा मेरे पास आते जो मेरे पार्टनर्स कर रहे हैं, वो भी उनको उनका भी फायदा है, मेरा भी फायदा, और मुझे ग्रूमिंग का वक्त भी मिलता है। और बाकी रहा जवाब आपका डन फेलोज का, डन फेलोज जनरल पब्लिक के हाथ में अगले 10 सालों में भी जो है ना मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। इसकी वजह ये है मुझे इस काम में काम करते हुए 2009 से लेकर अब तक अभी तक जनरल पब्लिक का लेवल अल्बाइनो और रेड आई पावर ब्लूज पे है, इतनी क्रेजी डिमांड है पावर ब्लूज की। तो अगर लोग अभी तक पावर ब्लूज की खरीदारी कर रहे हैं तो भाई पावर ब्लू के ऊपर कितनी म्यूटेशंस हैं, और पावर ब्लू का समझ लो एक बाटा रेट फिक्स हो गया है 25,000 रुपए 20,000 रुपए, तो एक 10 लाख 15 लाख रुपए वाले परिंदे को 25,000 रुपए आने में मुझे तो अगले 10 साल भी नजर नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी देखें जैसे पावर ब्लू भी है, इवन के कुछ लोग होते हैं वो क्वालिटी में ढूंढते हैं तो वो 20-25 हज़ार से भी शायद ऊपर जा सकता yes. है। तो अभी जैसे मैंने देखा है कि पावर ब्लूज हो गए, उसके बाद ऑफलाइंस के लोग बहुत शौकीन हैं, ऑफलाइंस में बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। अभी रिसेंटली जैसे डाइल्यूट्स में लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड देखने में मिली, उसके बाद पेल फेलोज, ये सारी म्यूटेशंस चलती रहती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार ये जो काम है ये थोड़े सालों की गेम है और ये ठप हो जाएगा, ये इसमें मैं क्या कहते हैं आप? ये मैं 2010 में सुन रहा था, 2011 में, फिर 12 में, फिर 13 में, फिर 14 में, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, अगले साल भी ये सुनेंगे। देखें जब तक डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल है ना, एक एक्टर है वो जो टाइटैनिक में नहीं, लियोनार्डो डिकैप्रियो, उसकी एक मीम चल रही थी, उसने एक 30 सेकंड की एक वीडियो बनाई, और उसने एक अपने वो एक जर पते बिजनेस वो एडवर्टाइजमेंट्स पे करते हैं, उसकी एक वीडियो थी, उसने अपने क्लाइंट को कहा मुझे ये पेन भेज कर दिखाओ। आपने वो वीडियो देखी हुई है? शायद मैंने, उसने कहा मुझे पेन पेज के दिखाओ, उसने कहा मैं क्या बोलूं पेन बहुत अच्छा ऐसे हम लिखते हैं। उसने एक दूसरा अपने दोस्त को कहा उसने अब पेन पेज के दिखाओ, उसने पेनों से पकड़ा और उसने कहा अब कागज लो और मेरा नंबर लिखो, उसने कहा पेन नहीं है, उसने कहा ये लो पेन। तो इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, तो जब तक डिमांड रहेगी और आप सप्लाई देने में कामयाब होंगे ये काम चलता रहेगा। जब ये नेशन वाइड बहुत एक्सपेंड हो जाएगा फिर एक्सपोर्ट, फिर समझ लो कि ये ऑफिशियली एक कॉटेज इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब ये कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, बिल्कुल ये अभी होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अभी देखें जैसे एक काफ़ी लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जो सिर्फ शौक के लिए ये बर्ड रख रहे हैं, उनका कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि उससे पैसे कमाएं। तो मेरा ख्याल है जब तक शौकीन भी जिंदा है तब तक भी ये काम जो है बड़ा चलता रहेगा। सर जो एक और यार तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है यार, जब तक शौकीन है इस काम में तो ये काम चलेगा और ये काम वैसे भी चलेगा, लेकिन जो लोग 100% बिजनेस पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं हो सकता है ये लोग निकल जाएं। इसकी वजह ये काम शौक है, ठीक है, ये काम शौक है। जब आप शौक करते हैं ना फिर आप नफा नुकसान को नहीं देखते, आप कीमतों के ऊपर नीचे होने को नहीं देखते, आपका शौक है, आपको एक चीज चाहिए वो करोड़ रुपए का हो या 2 रुपए का हो आप उसको रखेंगे। बिजनेसमैन क्या करता है, करोड़ रुपए की चीज 100 रुपए की आ गई, स्टॉक सारा निकाल कर काम वाइंड अप कर दिया, फिर वो परिंदों की जगह घोड़े ब्रीड करवाएगा, घोड़े की जगह भैंस ब्रीड करवाएगा, समझ गए हो। लेकिन जो शौकीन है तोतों का वो सारी जिंदगी तोते रखेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं कहता हूँ कारोबारी होने के साथ शौकीन का होना जरूरी है। तो शेख साहब आप कोई जितने भी पुराने और नए फैंसियर्स हैं उनको कोई पैगाम आप देना चाहते हो? यार पैगाम मैं बस पैगाम मुख्तलिफ देते रहता हूँ, आज आपके चैनल से मैं एक पैगाम दूंगा कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ और एक फायदेमंद सोच के साथ बिल्कुल इस कारोबार को लेकर चलें। देखो मैं कहता हूँ ये शौक भी है कारोबार भी है, आप ये जेन बनाएं कि मैंने दूसरों को फायदा पहुंचाना है, बेशक छा जाओगे, चाहे आप पुराने हो या नहीं हो अल्लाह आपके काम में बरकत डालेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने देखा है कि काफ़ी जो नए फैंसियर्स हैं या पुराने फैंसियर्स भी हैं बड़े नेगेटिव माइंडसेट के साथ चल रहे होते हैं और वो नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? माजरत के साथ बस ये हमारे कुछ सोसाइटी के अंदर इस तरह के जो है ना एक माइंड सेट इस तरह का डेवलप किया गया है,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो नई आने वाली नस्ल है, जो नौजवान है, उनके अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया की बदौलत ये माइंडसेट चेंज हो रहा है। मैंने देखा है सोशल मीडिया का बहुत अहम किरदार है लोगों को अवेयरनेस और क्रिएटिव बनाने में। बिल्कुल ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ ये जहनीत, ये गुलामी जहनीत तब्दील हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे। अभी नए जितने भी लोग आ रहे हैं और बड़ी क्रिएटिविटी के साथ आ रहे हैं, अपनी एवरीज को बड़ा अच्छा डिजाइन कर रहे हैं सर, क्रिएटिविटी के साथ। इसकी वजह ये एजुकेटेड तबका आ रहा है इस काम में 100%। पहले ये तबका परिंदों के काम में मौजूद नहीं था, अब एक एजुकेटेड तबका घुस चुका है इस काम में। पहले अगर एजुकेटेड तबका था तो वो सिर्फ शौक के हद तक, आप कह लें कि 2-3 बर्ड्स अगर घर में रखे हुए हैं बच्चों के शौक के लिए, लेकिन अब एक प्रॉपर जैसे कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ जैसे ये काम जा रहा है, तो लोग बड़े आप कह लें यूनिक आइडियाज के साथ इस काम में। मैं एक एक बात के एलाबरेट कर दूं आपकी इजाजत के साथ। जी जी जी। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, कई लोग समझते कॉटेज इंडस्ट्री कहते किसको है, कई लोग अपने बयान में भी कहते हैं, आपस के गैदरिंग्स में भी कहते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब ये है कि आप बर्ड्स ब्रीड करवा कर आपकी हुकूमत जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वो इसको रिकग्नाइज करती है एज ए इंडस्ट्री, और आप उन पैसों में से जेनरेट करके टैक्सेस रिटर्न करते हैं हुकूमत को, और आपके इन परंदों के दौलत हुकूमत का या पाकिस्तान का एक रेवेन्यू जेनरेट होता है। तो हम सबको भी पता हम क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हम क्या नहीं कर रहे, ये भी वक्त आएगा। अच्छा, कई लोग यहाँ पे कहते हैं और शेख साहब इतनी प्रमोशन ना करो, टैक्स देना पड़ेगा सानू। वो अच्छी बात सर, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो आप एक काम चला रहे हैं चलाएं, टैक्स इसके ऊपर इतना जल्दी नहीं लग भी नहीं सकता, ये लाइफ स्टॉक है और ना ही कोई आज तक कैलकुलेट कर सकता है कि आप कितने मालियत के बर्ज रख रहे हैं कितने नहीं। इसमें नफा भी होता है नुकसान भी होता है, लेकिन मैं कहता हूँ क्या ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है कि हम टैक्सेस दें और हम मिलकर दें? टैक्स देने के साथ किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, टैक्स जैसे लगता है। हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारे टैक्सेस हमारे मुल्क में अच्छी जगहों पे आवाम के ऊपर लग सके, बिल्कुल ऐसे। ये हमें एतराज करना चाहिए, टैक्स देने से इंसान को बिना परहेज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तो शेख साहब बहुत अच्छा लगा आपके पास आकर, थैंक यू, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि दोबारा भी आपके पास आता रहूंगा और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कशन करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।